Today I am teaching complex number. Now, before starting this complex number, tell us about the feature value. Feature में हम लोग करें थे number system. Number system होता है mainly इसको two types में व्यक्त किया जाता है. एक है real number. Now, complex number होता है, इन दोनों को मिलाने से complex number होता है. Like, now basic general form में complex number का, सब कुछ मान ले z एक complex number है, तो सब general form में a plus i. Now यहाँ पे a है अपने real part और b है imaginary part का real part. ये पूरा आईडी है हमारा इमेजिनरी नंबर एंड ए है रियल नंबर. ना ए यहां पे लिखा है आई. आई होता क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक इमेजिनरी नंबर है आई. आई होता है आई इक्वल टू रूट ओवर माइनस 1. अब हम अब ग्रुप में लिखोगे तो कुछ सवाल है जैसे कि आई स्क्वायर का वैल्यू आई टू का फोर का वैल्यू आई टू का सिक्स का वैल्यू ये सब जगह हम कैसे निकालेंगे. कमिंग टू आई स्क्वायर आई का माइनस वन तो माइनस वन दो बार तीन करेंगे तो ये निकलेगा माइनस वन. आई स्क्वायर टू का माइनस वन अगर हम आई टू का फोर में जाए तो ये होता है आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर. हमेशा आई स्क्वायर की वैल्यू याद रखेंगे माइनस वन. उसके बाद आई टू का फोर कैसे कैसे निकालते हैं माइनस टू प्लस वन प्लस वन. अब ये तो हमें छोटा छोटा पावर हो तो हम कैसे कैसे निकालेंगे. अगर मान लो पावर थोड़ा सा बड़ा हुआ फाइव आई टू पावर 2096 इसको हम कैसे निकालेंगे. इसको क्या देखिए पहले हमको इसका आई स्क्वायर के एक्सप्रेशन में लाना होगा राइट. इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर होल टू दी पावर 1048. क्यों हम ऐसे निकालेंगे क्योंकि हम लोगों को आई स्क्वायर का वैल्यू मालूम है. आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन तो माइनस वन होल टू दी पावर 1048. अब इसे माइनस का पावर है एक इवन नंबर तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू प्लस वन में आएगा. अगर इसका पावर ऑड होगा तो माइनस वन रह जाएगा. नाउ एक कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट टॉपिक है मॉड्यूलस. मॉड्यूलस का मॉड्यूलस का कॉम्प्लेक्स नंबर का न्यूमेरिकल वैल्यू. एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो z इक्वल टू a प्लस i उसका मॉड्यूलस होगा. उसका मॉड है कैसे एक्सप्रेस करते हैं रोटन सर कोफिशिएंट ऑफ रियल पार्ट होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट स्क्वायर ऑफ द रियल पार्ट ऑफ द इमेजिनरी नंबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये होता है मॉड्यूलस. अब मान लो ए कॉम्प्लेक्स नंबर है रेड इक्वल टू ए प्लस आई. हम अगर उसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना चाहते हैं तो हम उसका एक्सप्रेस करेंगे z बार से. कैसे निकालते हैं इमेजिनरी पार्ट के सामने जो साइन होगा जस्ट उसको चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा a माइनस आई बी. अगर सपोज c माइनस आई बी हुआ माइनस हुआ तो इसको चेंज करके c प्लस आई बी लिखेंगे तो इसका वो हो जाएगा कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर. अब कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टी होते हैं. एक नंबर है मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर. मान लो z इक्वल टू a का आई डी तो इसको मॉड्यूलस होगा. इसका रियल पार्ट क्या है a और इमेजिनरी पार्ट का रियल कोएफिशिएंट है b.
तो रोट का होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा और इसका मॉड्यूलस होगा ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी। तो इसका भी रियल पार्ट ए है और इमेजिनरी पार्ट का रियल पार्ट है माइनस बी, इसको हम कैसे लिखेंगे आई इंटू माइनस बी। तो हम देख सकते हैं माइनस बी है इसका रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट का रियल पार्ट एंड इसका रियल पार्ट ए। तो इसका अगर मॉड्यूलस निकालेंगे मतलब मॉड z बार इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहां पे देखें हैं मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इसका कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होता है। अब कुछ और प्रॉपर्टी है जैसे कि नंबर 2 मॉड z z1 मान लो z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और z2 दूसरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो सर अगर होल मॉड निकालेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरा होगा z1 into z2 होल मॉड z1 का into z2 का। अब हम आते हैं आर्गुमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होता है। मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस i आर्गुमेंट होता है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b बाय a मतलब इमेजिनरी पार्ट का रियल पार्ट बाय रियल पार्ट। अब इस आर्गुमेंट को अगर हम आर्गुमेंट में एक्सेस करेंगे जो पहले हम जानते हैं आर्गुमेंट क्या है। आर्गुमेंट है एक टूडी प्लेन जहां पे इस तरफ से इमेजिनरी पार्ट एक्सेस करता है इस तरफ से रियल पार्ट। फॉर एग्जांपल अगर हमने से 2 प्लस 3 आए यहाँ पे इस 2 को हम x की तरफ एक्सप्रेस करेंगे एंड 3 को y की तरफ y की तरफ y की तरफ मान लो ये 2 तो ये 2 को हम लिख सकते तो यहाँ पे ये उसका आगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ये है उसका मॉड्यूलस और मॉड्यूलस पॉजिटिव एक्सिस के डायरेक्शन में ये जो एंगल क्रिएट करेगा वो है थीटा। ये टू होगा ये थ्री होगा तो यहाँ पे एक आर्गुमेंट होगा टेन इनवर्स थ्री बाय टू। अब हम जानेंगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कब चीव। अब हम जानेंगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कब प्योरली रिलेटेड है कब प्योरली इमेजिनरी है फ्रॉम आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ हमने सीखा था कि क्या जो आर्गुमेंट होता है वो है टेन पर बी बाई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नॉन वाला वेरिएबल हो ए प्लस आई। अब ये थ्योरी में ट्यूटोरियल कब होगा जब इसका b 0 होगा। अगर b 0 हुआ तो z इक्वल टू a हो जाएगा मतलब थ्योरी है। तो कांग्रेस का मतलब क्या अगर b 0 आगे हम क्या किया होगा अगर b 0 हो गया तो थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा tan इनवर्स 0 तो यहां पे क्या निकलेगा 0। तो हम इसे जानेंगे अगर हां ये हम थीटा अगर 0 दिया किसी कांग्रेस नंबर का आर्गुमेंट जीरो मिला इसका मतलब है वो प्योरली रियल नंबर है। अब हम आते हैं कभी कांग्रेस नंबर को प्योरली इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अगर z z इक्वल टू a प्लस i है तब इसको प्योरली इमेजिनरी कहते हैं। अगर a इक्वल टू 0 मतलब अगर a इक्वल टू 0 हुआ तो इसमें क्या रहेगा z इक्वल टू i मतलब यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी नंबर ही रहेगा।
अब इसमें क्या हुआ था जानिए इधर ही कर दो कैरिंग वर्ड्स बी बाई जीरो तो कैरिंग वर्ड्स इंडिविजुअल्स तो कब टेन जितना कभी कितना से इंडिविजुअल है जो पायलट हो रहा है इसका मतलब है पहले अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट पायलट हो निकला इसका मतलब है वो प्योरली इमेजिनरी नंबर है अब हम सीखेंगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट कैसे निकालते हैं मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू x प्लस i सबसे आसान और इजी तरीका है इसका रूट निकालने में हमको x को मानना पड़ेगा इस हम हमने दो तरह का रूट सीखा था एक a का के दो स्क्वायर एंड वन इज एंड द नॉट इज a का के दो स्क्वायर इसमें क्या होता है एक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पार्ट रहता है और एक प्लस टू ए बी अगर एम एल पी घोष कर रहा तो माइनस टू ए पार्ट रहेगा तो हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर इसका रूट निकलना होगा तो ये किसी का स्क्वायर है तो एक एक्स होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला पार्ट और ये आई वाई होगा टू ए बी वाला पार्ट अब हमारा काम है ए और बी निकालना फॉर एग्जाम्पल मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -7 -24 ठीक है और 2 × 4 × 3 × 2 × 4 × 6 इनटू आई जैसे भी करके कॉम्बिनेशन करके हमको ये एक्स पर एक्स ना हो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं किसी किसी टाइप कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे कि डेरिवेटिव टू वन माइनस आई वन तो इसमें कोई टू नहीं है तो हमको x पर से पुराना होगा कैसे पुराना होगा टू से ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे उसे डिवाइड करना होगा तो हमारे जो भी वाला पार्ट बन जाए वहां से हमको x2 + b2 के बनाना होगा